24 का जो चुनाव बहुत नजदीक आ गया, इसकी तैयारी हो रही है। जिस तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं और एक के खिलाफ एक कैंडिडेट खड़ा होगा, भाजपा एक तरफ और इंडिया जो इंडिया बना है, इंडिया वर्सेज भाजपा की लड़ाई होगी जनमानस में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। मैं आपके साथ अब जिस सिंह। मंत्री तेज प्रताप यादव के सरकारी आवास पर छात्र राजद भारत के द्वारा एक दिवसीय बैठक बुलाए गए थे, जिसमें राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पहुंचे थे। और नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। मैं आपके साथ अब जिस सिंह। मंत्री तेज प्रताप यादव के सरकारी आवास पर छात्र राजद भारत के द्वारा एक दिवसीय बैठक बुलाए गए थे, जिसमें राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पहुंचे थे। और साफ तौर पर छात्रों को संबोधित करते हुए लालू यादव ने साफ तौर पर कह दिया है कि अब जो लड़ाई है वो इंडिया वर्सेस बीजेपी है, यानी कि साफ तौर पर जमकर बढ़ते हैं लालू यादव। पहले क्या कुछ कर रहे हैं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, पहले सुनिए उनकी बातों को। समय निकाल करके जिस तरह से आजादी की लड़ाई में नौजवानों ने, देश के युवाओं ने हिस्सा लिया था, अंग्रेजों को मार भगाया था, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से लेके आचार्य नरेंद्र देव, बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी, पंडित रामानंद तिवारी जी और बिहार के न जाने सैकड़ों हमारे पुरखों ने हिस्सा लिया और कुर्बानी दी देश के लिए। ये काम करते जाता है, लोग आते हैं जाते हैं, जीत का प्रवाह नहीं करते, जीत के अंदर जाते हैं। देश के जो ताने बाने हैं उसको बरकरार रखना है और ज्यादा से ज्यादा मैं धन्यवाद देता हूँ तेज प्रताप यादव को। और चुनाव आ गया, यहाँ अपना आप लोगों को मालूम है कि यहाँ अपना अपनी पार्टी आर जे डी, जे डी यू, कांग्रेस में इसमें काफी संधि है। हम लोग इकट्ठे हैं, इकट्ठे जमीन के सरकार चला रहे हैं और चुनाव 24 का जो चुनाव बहुत नजदीक आ गया, इसकी तैयारी हो रही है। इस तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं और एक के खिलाफ एक कैंडिडेट खड़ा होगा, भाजपा एक तरफ और इंडिया जो इंडिया बना है, इंडिया वर्सेज भाजपा की लड़ाई होगी जनमानस में। मैं काफी प्रशंसा किया है कि अब गाली देना है तो इंडिया को गाली दो, भाजपा वाला गाली दो, हिम्मत है तो। इसलिए काफी लोगों ने सराहा है ये नाम और एक के खिलाफ एक के लिए खड़ा करने की विधि प्रक्रिया क्या होगा। हम लोग महाराष्ट्र में निकट भविष्य में हम लोग जा रहे हैं, हम दिल्ली भी हम जा रहे हैं, लोगों से सभी नेताओं से बात करेंगे कि हम लोग को सब लोग को बिल्कुल आपस में भेदभाव भूल करके भाजपा हटाओ, नरेंद्र मोदी को हटाओ। बहुत घबराहट है सबको, बहुत घबराहट बढ़ा था एकदम। त्रिपुरा में हुआ, जो मणिपुर में हुआ, उधर जो हो रहा है आपको जानते ही हो, महिलाओं के साथ
निर्वस्त निष्पक्ष वस्त्र उतार के जो व्यवहार हुआ। तो आपने सुना लालू प्रसाद यादव किस तरह से बरस रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, और साफ तौर पर कह रहे हैं कि सभी विपक्ष अब एकजुट हो गए हैं, बिहार में हमारी सरकार है, आरजेडी जदयू कांग्रेस की सरकार है, और साफ तौर पर कह दिए हैं कि 2024 में अब लड़ाई है तो इंडिया वर्सेज बीजेपी और मोदी। ऐसे तमाम खबरों को बने रहे न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार।